नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर व्यापक चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 3 के पर्यावरण खंड के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ परिवर्तन को प्रस्तावित करता है। आइए अब जानते हैं कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों है। यह विधेयक 1980 के उस महत्वपूर्ण कानून में संशोधन करने का प्रयास करता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि भारत की वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए बेतहाशा हड़प न लिया जाए। यह अधिनियम केंद्र को यह अधिकार देता है कि गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। इससे पहले के संशोधन का उद्देश्य सुरक्षा का विस्तार था, लेकिन वर्तमान संशोधन अज्ञात तत्वों को दूर, भूमि पर परियोजना को स्पष्ट, उत्पादों के अवसर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन 2019 पर अस्थायी समिति ने कहा कि उद्योग की मांग, कृषि और वन उपज की मांग जैसे कई कारणों से वन भूमि पर दबाव बढ़ गया है। 1980 का अधिनियम गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध निर्दिष्ट करता है। विधेयक अधिनियम के दायरे से वन भूमि को शामिल करने और बाहर करने के मानदंडों को संशोधित करता है। यह उन गतिविधियों की सूची का भी विस्तार करता है जिन्हें वन भूमि पर अनुमति दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि वन संरक्षण विधेयक 2023 की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषताएं हैं अधिनियम के दायरे में भूमि। विधेयक में प्रावधान है कि दो प्रकार की भूमि अधिनियम के दायरे में होगी। पहला, भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित अधिसूचित भूमि। दूसरा है वह भूमि जो पहली श्रेणी में शामिल नहीं है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद जंगल के रूप में अधिसूचित की गई है। आइए अब दूसरी विशेषता को जान लेते हैं, भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियां। विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देता है, जैसे रेल लाइन के किनारे भूमि या सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक सड़क जो किसी बस्ती तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा LAC और LOC के 100 किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक संवेदनशील क्षेत्र को छूट प्रदान करता है। तीसरी विशेषता है निर्देश जारी करने की शक्ति। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तहत या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है। चौथी विशेषता है वन भूमि का असाइनमेंट या पट्टा। अधिनियम के तहत राज्य सरकार को सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण निमंत्रण के बिना किसी भी इकाई को वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। विधेयक में यह शर्त सभी संस्थाओं पर लागू की गई है जिनमें सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाएं शामिल है। पांचवी विशेषता है वन भूमि में अनुमत गतिविधियां। यह अधिनियम वनों के गैर आरक्षण या गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसे प्रतिबंध को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं। अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें गैर वन उद्देश्यों से बाहर रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लागू नहीं होगी। वन संशोधन विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि संशोधन सुप्रीम कोर्ट के 1996 के गोदावर्मन मामले में फैसले को कमजोर करती है जिसने वनों को सुरक्षा प्रदान की है जिन्हें आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर परियोजनाओं को अब वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जो पर्यावरण और सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विशाल हिस्से को एक तरफा छीन लिया जाएगा। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।